स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पीथ टर्म इज 1/q एंड क्यू टर्म्स इज 1/p देन प्रूव दैट पी क्यू टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। आपको प्रूफ करना है कि यदि पीमा पर 1/q हो और क्यूमा पर 1/p हो तो पी क्यू टर्म्स आपका 1 आएगा। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो लेट मान लेते हैं आप लेट फर्स्ट टर्म इक्वल ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो आपका पी टर्म से क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल ए प्लस पी माइनस 1 × d। और ए प्लस पी माइनस 1 × d इक्वल कितना दिया गया है? 1/q। क्या हो गया? 1/q। यानी आपका हो गया ए प्लस पी माइनस 1 d इक्वल 1/q। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन आपका क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में आपका है ए क्यू इक्वल ए प्लस क्यू माइनस 1 × d। तो ए प्लस क्यू माइनस 1 × d इक्वल दे दिया है क्या? 1/p। क्या है? 1/p। तो सेकेंड इक्वेशन आपका बन गया ए प्लस क्यू माइनस 1 × d इक्वल 1/p। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ऑन सॉल्विंग द ऑन द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 × d इक्वल 1/q और यहाँ आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 × d इक्वल 1/p। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ए आपका जो है ए आपका गायब हो जाएगा। ऑन सबट्रैक्टिंग सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर p माइनस 1 × d माइनस क्यू माइनस 1 × d इक्वल क्या आ जाएगा? p माइनस q × d इक्वल 1/q माइनस 1/p। क्या आ गया? माइनस 1/p। अब इधर क्या आ गया? p माइनस q × d इक्वल यहाँ पर एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया? pq आ गया। और फिर डिवाइड किए तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, पी बन गया पी, इसी प्रकार से यहाँ आ गया क्यू। अब देयरफॉर डी इक्वल पी माइनस क्यू अपान पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो डी इक्वल 1/pq। डी इक्वल क्या आ गया? 1/pq। अब डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में आप डी की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? ए प्लस पी माइनस 1 × d इक्वल 1/q। अब इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ए प्लस
पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू वन अपान पी क्यू इक्वल वन बाई क्यू, वन बाई क्यू है ना। ए प्लस वन अपान पी क्यू का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी अपान पी क्यू माइनस वन अपान पी क्यू इक्वल वन बाई क्यू। तो इसमें आपका पी और पी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए प्लस वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी इक्वल वन बाई क्यू। अब ट्रांसपोजिंग कर देंगे, ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो ए इक्वल वन अपान क्यू, इधर प्लस है तो माइनस वन अपान क्यू, और ये माइनस है तो प्लस वन अपान पी क्यू। तो वन अपान क्यू कैंसिल हो गए तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन अपान पी क्यू। ए की वैल्यू क्या आ गई, वन अपान पी क्यू। अब ए हो गया आपका वन अपान पी क्यू, और डी कितना आया था, डी इक्वल भी आया था वन अपान पी क्यू। अब आप नेक्स्ट टर्म में निकालेंगे क्या, पी क्यू टर्म्स, क्यू टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू वन अपान पी क्यू प्लस यहाँ पी क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी वन अपान पी क्यू है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी, ए और डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आपका वन अपान पी क्यू प्लस इसमें पी क्यू अपान पी क्यू माइनस वन अपान पी क्यू। तो माइनस वन अपान पी क्यू ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा पी क्यू अपान पी क्यू, और पी क्यू अपान पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, वन। और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई थ्री। आपका थ्री डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो आपके थ्री से डिवाइड हो जाते हैं। तो आप तो ये जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर नंबर इक्वल 100, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल 100। आप ये जानते क्या 100 आपका थ्री से डिवाइड होता है, आंसर आपका मिलेगा नो, थ्री से डिवाइड नहीं होता। तो हमको ऐसा चाहिए जो थ्री से डिवाइड हो। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई थ्री, तो इनको जो है क्या करेंगे, इनको टोटल करने पर 3, 6 या 9 आ जाए, वन डिजिट का नंबर प्राप्त हो, वही आपका थ्री से डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेबल, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेबल बाई थ्री इक्वल, जो थ्री से डिवाइड हो जाए आपका क्या प्राप्त होगा, 102। क्या प्राप्त होगा, 102। इसको सम करेंगे द सम ऑफ डिजिट तो 123 आ जाएगा, और थ्री थ्री से डिवाइड हो जाता है। तो द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई डिवाइजेबल बाई थ्री इक्वल 999। ये थ्री डिजिट की नंबर हाईएस्ट नंबर है, 999 जो थ्री से डिवाइड होती है।
है। तो आपको स्मॉलेस्ट 102 और लार्जेस्ट क्या प्राप्त हो गया 999। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपको 102, अब ये 3 का डिफरेंस है, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो 103 इसमें प्लस कर दोगे तो 105, 108 और सो ऑन, लास्ट में क्या जाएगा 999। तो इसमें आपका ए क्या हो गया, A1 इक्वल A इक्वल 102, D और A2 इक्वल 105, तो D आपका क्या प्राप्त होगा A2 माइनस A1 इक्वल 105 माइनस 102 इक्वल 3, क्या प्राप्त हो गया 3, और आपका लास्ट क्या आ गया 999, लास्ट अंक आपका 999। आपको क्या प्राप्त करना है, n फाइंड करना है कि कितने, हाउ मैनी नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, तो हाउ मैनी नंबर, तो n नंबर्स, तो n को आपको जो है ज्ञात करना है। आपका TN या AN इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इनटू D, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस N माइनस 1 इनटू D इक्वल N। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आया था, जो 3 से डिवाइड हो रहा था 102 प्लस N माइनस 1 इनटू D कितना था, कॉमन डिफरेंस आपका 3, और लास्ट टर्म आपका 999। अब इसको हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा 102 आपका जो है ट्रांसपोजिंग होगा, तो यहाँ आएगा एन माइनस बी इक्वल 999 माइनस 102, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल, इसको सबट्रैक्ट कर दोगे तो 9 में 2 सबट्रैक्ट करें 7 आ गया, यह 9 हो गया, ये 8 हो गया। अब ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 897 बाई 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर देंगे 7, तो n माइनस 1 इक्वल 299। Therefore, n equal 299 plus 1 equal 300. तो आपके कितने नंबर्स आ गए, 300 हैं, 100 से लेकर के 999 तक में 300 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, और लास्ट में आपका दिया है 253। तो आपको लास्ट से दसवां टर्म ज्ञात करना है जो कि जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, लास्ट से इधर दसवां पद आना चाहिए आपका। तो मान लेते हैं लेट आपका जो है फर्स्ट, ये सीक्वेंस क्या दिया गया है, सीक्वेंस में है 3, 8, 13 और ये आपका लास्ट है आपका 253। तो यहाँ आपका A1 इक्वल A इक्वल दिया गया है 3, A2 इक्वल दिया गया है 8 और D आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 आपका दिया गया है 8 और A1 दिया गया है 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल 5। और अभी आपको n ज्ञात करना है कि n कितने हैं, पहले n ज्ञात कर लें, इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और इसको कर सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल N।
तो ए ए की वैल्यू क्या थी आपके 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना था 5 और लास्ट टर्म आपका क्या है 253। 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 253। अब 3 को ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 253 माइनस 3। अप्लाइज एन माइनस 5 इंटू 5 इक्वल 250। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा n माइनस वन इक्वल 250 अपॉन 5 5 5 25 0। तो n माइनस वन इक्वल 50। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 50 प्लस 1। n इक्वल 50 प्लस 1 तो n इक्वल 51। क्या गया n इक्वल 51। तो टोटल आपके जो है पद हैं कितने 51 टर्म्स हैं। आप लास्ट से निकालना है 51 टर्म्स है। 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट 10 टर्म्स आपका फ्रॉम द लास्ट से क्या हो जाएगा 51 माइनस 1 प्लस 1 टर्म्स फ्रॉम द फ्रॉम फर्स्ट से आपका 51 माइनस 10 निकालना है तो माइनस 10 होगा। क्या होगा माइनस 10 51 माइनस 10 प्लस 1 टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट। तो आपका ये टर्म्स आ जाएगा इक्वल 51 माइनस 10 इक्वल 41 प्लस 1 टर्म फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आ जाएगा 42 टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट। शुरू से आपका क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से आ जाएगा 42 टर्म्स जो लास्ट दसवां टर्म होगा वही शुरू से 42 टर्म्स होगा। कैसे होगा देखिए आपका 51 टर्म्स है तो 51 टर्म्स टू टर्न है तो 51 50 और यहाँ क्या जाएगा 49 फिर आपका 48 और 47 46 और ये क्या आ गया 45 44 43 42। लास्ट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 42 टर्म्स आपका जो लास्ट प्रारंभ से लेकर के फर्स्ट टर्म का 42 टर्म्स और लास्ट का 42 टर्म्स एक ही होंगे। तो इसको हम आप नोट कर लेंगे इसको 42 टर्म्स इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 42 माइनस 1 इंटू डी। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या था आपका a इक्वल 3 प्लस 41 इंटू डी डी 3 प्लस 5 5 5 4 20 तो यह आ गया 208। ये 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या आ जाएगा जो आपका 42 टर्म्स आया है 208 यही आपका आंसर होगा। फिर आपको इसको सेकंड मेथड से भी बता देता हूं आपका क्या था ये सिंक्यूस में था 3 8 और फिर आ गया 13 और लास्ट में था 253। अब इसको सॉल्व करना है लास्ट को आप फर्स्ट मान लेंगे इधर आपका 5 5 जो है इंक्रीज हो रहा है तो इधर आपका जो है क्या हो जाएगा डिस्क्रीज हो जाएगा घटने लगेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 253 और आपका सेकंड क्या आ जाएगा 5 सबट्रैक्ट कर दीजिए तो 248 और इसी प्रकार फिर 5 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 243 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका हो गया 253 और आपका डी क्या हो जाएगा a2 - a1 तो 248 - 253।
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस फाइव, क्या हो जाएगा माइनस फाइव, और एन आपका क्या हो जाएगा टेन, एन क्या हो जाएगा टेन। तो एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए आपका क्या दिया गया है 253 प्लस एन आपका जो है दिया गया है कितना 10 माइनस वन और डी दिया है माइनस फाइव, तो 253 प्लस 9 इंटू माइनस फाइव, तो 253 माइनस 45। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 13 में 5 8 और 0 208। तो लास्ट टर्म का ये आपका आंसर हो गया किससे 208, ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो माइनस फाइव डिफरेंस आ जाएगा और फर्स्ट जो आपका टर्म है वो 250 लास्ट टर्म जो है फर्स्ट बन जाएगा, और इस प्रकार से लगाने से भी वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक।